हेलो ऑल, वेलकम टू श्वेतास किचन। श्वेतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ये मसाले की भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये भिंडी फ्राई मसाला है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लगता है ये और झट से बन जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज़ श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। ये देखिए, हमने भिंडी को इस तरह से कट कर लिया है। आप बारीक बारीक पीसेस में कट कर लीजिए। और भिंडी फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन को भूनेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने ये हाफ कप बेसन ले लिया है जिसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो एक पैन में ये बेसन लेकर हमें इस तरह से भून लेना है। और फ्रेंड्स, जो अब मैं भिंडी यूज़ कर रही हूँ ये है 250 ग्राम भिंडी, तो आप उस हिसाब से मेजरमेंट कीजिए। तो ये आधा कप के आसपास बेसन लिया है मैंने, जिसे मैं इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए, जब बेसन में हल्के स्मेल आने लग जाए तो आप गैस बंद कर लीजिए। अब आइए भिंडी को फ्राई करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन में तेल ले लिया है। ये 2 चम्मच तेल डालेंगे हम एक पैन में, और तेल के गर्म होते ही इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे, सरसों डाल देंगे 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम हींग भी ऐड करेंगे, क्योंकि भिंडी में हींग बहुत बढ़िया लगते हैं। तो इसमें 2 पिंच हींग ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसे इस तरह बारीक पीसेस में कट किया है। इसे भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 3-4 मिनट ये प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ताकि ये प्याज हमारे अच्छी तरह ट्रांजिशन हो जाए। और फ्रेंड्स, ये भिंडी जो है हम बेसन के साथ ड्राई बनाने वाले हैं, इसलिए इसमें प्याज ज़्यादा डालें। अब इसमें मैं ये देखिए लहसुन, पहले तो 2 हरी मिर्च ले लूँगी, और फिर उसके बाद ये देखिए लहसुन को भी मैंने इस तरह से कट किया है। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं लहसुन को। और इस तरह से ये कट किए हुए लहसुन भी हम इसमें डाल देंगे, और 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और उन्हें भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है इस तरह। ये देखिए, हमारे प्याज का कलर अच्छी तरह चेंज होने लग गया है। तो इसके बाद अब हम भिंडी ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये भिंडी को मैंने इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में कट किया है। इसे धोकर अच्छी तरह से इस तरह बारीक बारीक कट कर लीजिए और तेल में डाल दीजिए। और इन्हें अब अच्छी तरह से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, ताकि ये भिंडी में ये अच्छी तरह से सारा मसाला जो है हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हम सूखे मसाले डालेंगे। तो मैं ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंड्स, और नमक डालेंगे 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। तो इस तरह ये सारा सब्जी मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी में, और अच्छी तरह से चला लेंगे। ये जीरा पाउडर ले रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब अच्छी तरह से ये मसाले को भिंडी के साथ में मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो भिंडी है हमें इसे ढककर नहीं पकाना है, इसे इसी तरह से आप पकने दीजिए, ताकि आप 10 मिनट बाद देखेंगे तो ये भिंडी अच्छी तरह से पक जाएगी। बीच बीच में आप इस तरह चलाते रहिए और इसे इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए आप बर्तन में, ताकि ये अच्छी तरह से सारी भिंडी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, हमारी भिंडी देखिए सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत बढ़िया से एकदम नरम पड़ गई है ये भिंडी।
तो इसे इस तरह से आपको 15 मिनट बिना ढके इस तरह से पका लेना है भिंडी को। आप चेक भी कर सकते हैं, भिंडी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसके बाद हमने जो बेसन भून के रखा था 1/2 कप, वो बेसन ऐड कर देंगे इसमें, ये देखिए, और मिक्स कर देंगे सारा बेसन अच्छी तरह से। और बेसन के साथ ही मैं इसमें टमाटर ले लूँगी, तो ये 1 टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी जो सब्जी है अच्छी खट्टी खट्टी बने। ये टमाटर ऐड कर देंगे इसमें 1, और उसे भी साथ में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे भिंडी के। और ये बेसन जो है फ्रेंड्स ऑलरेडी भुना हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा ये जले नहीं, तो इसी तरह इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। अब मैं इसमें ये 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। भिंडी में आमचूर पाउडर बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इस तरह 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर भी ऐड कर दीजिए। और फाइनली गरम मसाला ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, और इस तरह से इसे चलाते हुए थोड़ा देर के लिए पका लीजिए आप। और फाइनली इस पर धनिया गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया ये भिंडी मसाला फ्राई बिल्कुल बनके तैयार है। आप इस तरह से बनाइए इसे, और 5-7 मिनट के लिए कढ़ाई में रहने दीजिए ताकि ये जो टमाटर वगैरह है वो भी अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए फ्रेंड, 7-8 मिनट हो चुके हैं, हमारी भिंडी भी बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। और ये आपका भिंडी मसाला बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये सब्जी, आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको भिंडी फ्राई मसाला कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेतास किचन। थैंक यू।